हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। आज जो रेसिपी है ब्रेड आमलेट से एक पिज़्ज़ा बना के आप लोग घर पर खा सकता है मेरा फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ब्रेड आमलेट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सारा सामान को आप लोग को रेडी करना है। मैंने प्याज काट के रेडी कर लिया और मैंने टोमेटो भी काट के, ये देखिए ऐसे आप लोग को टोमेटो छोटा छोटा करके काटना है। और मैंने हरा मिर्चा डो लिया है, डो हरा मिर्चा को भी आप लोग काट के रेडी करना है। उसका बस और टोमेटो काटना है आप लोग को, गोल गोल करके ऐसे काटना है टोमेटो को, मैंने काट के रेडी कर लिया। उसका बाद हरा धनिया पत्ता मैंने काट के रेडी कर लिया और एक छोटा सा पेप्सिकम मैंने काट के रेडी कर लिया। देखिए ये सारा सामान आप लोग को काट के पहले रेडी करना है। उसका बाद मैंने अंडा लिया है, 3 अंडा मैंने लिया है। अगर आप लोग को ज़्यादा अंडा चाहिए तो यूज़ कर सकता है, मैंने 3 ही अंडा यूज़ किया हूँ मेरा फ्रेंड्स। और इस पर अभी जो काटा हुआ टोमेटो छोटा छोटा मैंने काट के रखा था वो टोमेटो को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जो मैंने प्याज काट के रखा था वो प्याज को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जो मैंने हरा मिर्चा काटा था वो हरा मिर्चा को भी मैंने ऐड कर दिया। और इसी तरह से आप लोगों को मिक्स करना है और स्वाद अनुसार आप लोगों को थोड़ा सा नमक ऐड करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए स्वाद अनुसार आप लोगों को नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद अभी रेडी हो गया है और मैं गैस ऑन कर रहा हूँ। देखिए गैस को ऑन करना है, उसके बाद आप लोगों को एक तवा बैठाना है। तवा पर आप लोगों को बटर ऐड करना है सबसे पहले, और बहुत टेस्टी होता है ये रेसिपी। आप लोग एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो मुझे कमेंट करके बोलना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने बटर यूज़ किया हूँ, अगर आप लोगों को ऑयल चाहिए तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बटर का साथ बनाया है। सो देखिए मैंने जो मिक्स करके आमलेट रखा था वो मैंने ऐड कर दिया तवा पर। तवा पर ऐड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा हटा लेके बड़ा करना है, इसे आप लोग को बड़ा करना है और लो फ्लेम पर आप लोग को पकाना है। ज़्यादा स्टीम मत दीजिएगा, ज़्यादा स्टीम देने से जल जाएगा नीचे। देखिए मैंने रेडी कर लिया। इसका ऊपर पर जो मैंने ब्रेड काट के रखा था छोटा छोटा करके वो ऐड करना है आप लोग को। ये देखिए मैंने ब्रेड को काट के छोटा छोटा करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। और ऐसे आप लोग को पास मैं यूनिक वीडियो लेके आऊंगी और आप लोग भी प्लीज मुझे सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। ये देखिए ऐसे आप लोग को ऐड करना है और इसी तरह से आप लोग को सेट करना है। मैंने जैसे किया हूँ वैसे आप लोग फॉलो करके आप लोग भी घर पर बना के खा सकते हैं मेरा फ्रेंड्स। और बच्चे लोग का तो ये फेवरेट चीज़ है और बहुत अच्छा होता है, बच्चे लोग खा के भी बहुत अच्छा पाएगा मेरा फ्रेंड्स। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से ऐड कर दिया, उसका बाद जो मैंने पेप्सिकम काट के रखा था वो पेप्सिकम को भी मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आप लोग को ऊपर से टोमेटो ऐड करना है, जो मैंने राउंड करके काटा था टोमेटो को मैंने ऐड कर दिया। और बहुत इजी है और फटक से होने वाला रेसिपी है और बहुत खाने के लिए बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट होता है मेरा फ्रेंड्स। और देखिए मैंने हरा धनिया पत्ता मैंने काट के रखा था वो धनिया पत्ता मैंने ऊपर से ऐड कर दिया। अभी मेन चीज इस पर क्या ऐड करना है वो सामान आप लोग को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप लोग को काला नमक ऊपर से देना है। ये देखिए काला नमक, क्यों ना, काला नमक देने से थोड़ा अच्छा होता है खाने के लिए, टेस्टी होता है। और उसके बाद जो काला मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड करना है ऊपर से, ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, बच्चे के लिए बनाने से कम ही यूज़ कीजिएगा। और इस पर अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करना है आप लोग को, चीज़, बिना चीज़ का तो होगा ही नहीं। और आप लोग को चीज़ जरूर ऐड करके बनाइएगा और खाने के लिए बहुत टेस्टी बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। मैंने 3 पीस चीज ऐड किया हूँ। और अभी आप लोग को 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है ऊपर से, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा मेरा फ्रेंड ढक्कन लगाने से। और देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया और पिज़्ज़ा, सिंपल पिज़्ज़ा ऐसे बना के खा सकते हैं अपना घर पर। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, ब्रेड आमलेट का पिज़्ज़ा। और मैं अभी बाहर निकाल लूँगी मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है और खाने के लिए बहुत टेस्टी हुआ था मेरा फ्रेंड्स। और अभी साकू लेके आप लोग को छोटा छोटा जितना हिसाब से चाहिए उतना हिसाब से आप लोग को काट के खा सकते हैं मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए
मैंने बीच पर कार्ट लगा दिया, अभी साइड पर भी मैंने कार्ट लगा दूंगी। ये देखिए मैंने कार्ट लगा कर रेडी कर दिया और बहुत सुंदर हुआ था, टेस्टी और बहुत अच्छा हुआ था रेसिपी। सो आप लोग भी एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना सुंदर हुआ है, एक छोटा सा वीडियो है और आप लोग को अंत तक वीडियो देखना है। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो मुझे बोलना है मेरा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।